हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 5 बेस्ट BAMS कॉलेज और उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों को गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि इस BAMS कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे BHU की। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी फीस की बात करें तो 33,464 रुपये फीस है इनका। यहाँ पर बॉन्ड भी है, ठीक है। 27,823 रैंक पर लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ था। इस साल जिस बच्चों का 30,000 रैंक के आसपास है उनको सीट मिल जाएगी। AWS कैटेगरी में लास्ट ईयर 29,434 रैंक गई थी, इस साल दोस्तों 32 के रैंक तक के मिल जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 31,297 रैंक तक गई थी, ये जो है आपका 33 के रैंक तक के मिल जाएगा, ठीक है। SC कैटेगरी में 1,52,953 रैंक तक गई थी और ST कैटेगरी में 2,05,000, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है वो इसी के आसपास रहने वाली है दोनों कट ऑफ। अब बात करते हैं हम लोग NIA जयपुर, ये भी बहुत अच्छा संस्थान है। यहाँ पर फीस जो है तो 54,863 रुपए फीस है। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ भी ये 30,000 रैंक तक गई थी, इस साल 35 के रैंक तक ये जनरल कैटेगरी में रहेगी। AWS कैटेगरी में 33,000 रैंक रही थी तो यहाँ पर 36,000 रैंक तक रहेगी और ये भी आपका 37,000 रैंक के आसपास, 36 से 37,000 रैंक तक के OBC और EWS कैटेगरी में आपको सीट मिल जाएगा। 1,47,000 रैंक रही थी लेकिन ये आपको 1,60,000 रैंक तक के मिल जाएगा और ये आपका 2,10,000 रैंक तक के आपका जाने वाला है NIA। अब बात करते हैं ITRA और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में किसे सिलेक्ट करें, तो मेजोरिटी ऑफ बच्चे ITRA को सिलेक्ट करेंगे। ITRA की फीस भी कम है, 3,252 रुपए फीस है, आपको ये चूज करना चाहिए। लेकिन जिसके नाम के पीछे एम्स लगवाना है वो आप इसको चूज कर सकते हो। अब देखो ITRA और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में फायदा किस में है ज़्यादा एडमिशन लेने में, तो दोनों में अभी इंटरनल कोटा नहीं लगती है, तो आप कोई भी संस्थान लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। फीस की बात करें तो 3,252 रुपए, लास्ट ईयर 36,730 रैंक गई थी, इस साल ये जो कट ऑफ है ये 40 के रैंक तक के जाएगी दोस्तों, ठीक है। EWS कैटेगरी का 41,000 रैंक रही थी दोस्तों, इस साल ये जो है वो 45 के रैंक तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो 41,993 रैंक तक गई थी दोस्तों, ये भी आपका 45 के रैंक तक जाएगी, ठीक है। SC कैटेगरी में बात करें तो 1,61,000 रैंक तक गई थी और 2,36,000, लगभग 1,70,000 रैंक के आसपास ये जाएगी। अब बात करते हैं गोवा की, 41,400 रुपये फीस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा की। यहाँ पर 40 के रैंक तक के लास्ट ईयर गई थी अराउंड, अभी इस बार ये 45 के रैंक तक के आपको मिल जाएगी। AWS कैटेगरी में भी 46 के रैंक तक मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपका OBC कैटेगरी में आपका भी 45 से 46 के यहाँ पर भी रहेगी। AWS कैटेगरी में 1,70,000 रैंक तक, SC कैटेगरी में 1,70,000 और ST कैटेगरी में 2,30,000 रैंक तक अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं NEIS शिलंग, यहाँ पर 50% सीट जो होती है ऑल इंडिया कोटा से भर जाती है और 50% सीट जो है वो मेघालय के बच्चे के द्वारा, जो नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चे हैं उनके द्वारा भरी जाती है। आयुर्वेद की बात कर रहे हैं दोस्तों, इनकी फीस की बात करें तो इनकी फीस 42,100 रुपए है। लास्ट ईयर ये 50,368 रैंक तक के अलॉटमेंट हुआ था, इस साल ये 55,000 रैंक तक के अलॉटमेंट होगी। AWS में 57,000 रैंक तक हुई थी तो ये आपका 60 के रैंक तक होगी दोस्तों, और OBC कैटेगरी में 59 के हुआ था तो ये 62 के रैंक तक जाएगी। उसके बाद SC कैटेगरी में 1,82,000 रैंक तक हुआ था तो ये 2,00,000 रैंक तक के उम्मीद है कि ये कॉलेज अलॉट हो जाएगी, और ST कैटेगरी में 2,57,000 तो अराउंड 2,80,000 के आसपास आपको अलॉट हो जाएगा। ये पांचों कॉलेज अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है, चाहे वो एजुकेशन से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, क्लिनिकल एक्सपोजर से लेकर के, हर चीज में बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर ये कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आपको जरूर लेना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात कीजिए और सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।